हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आपने पिछले वाले ब्लॉग में देख ही लिया होगा कि कल मैं ननिहाल भी गई थी और मॉर्निंग में मायरे का फंक्शन था। तो आज है उन्हीं दीदी की शादी, जिसमें मेरे ननिहाल वाले भी आने वाले हैं। फिर मैं परसों, अगर आपने देखा होगा तो एक ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं, एक भैया भाभी है और मेरे भाई है, उनकी शादी में गई थी, उसकी भी आज ही शादी है। तो सब जगह आज जाना है, बहुत भागा दौड़ी होने वाली है। और सबसे बुरी बात यह है कि हेमंत भी जा रहा है गुड़गांव, वो आज जाएगा और मैं परसों जाऊंगी। तो बस इसीलिए देखते हैं क्या कैसे हो, ब्लॉग में बने रहना, सारी चीजें आपको बताऊंगी, कौन सा लहंगा पहनूंगी, क्या कैसे होगा सारी। तो यहाँ पे हेमंत हो चुका है रेडी जाने के लिए। हाँ बेटा, और जेठ जी को देखो काय कर रहे हो जेठमल जी। ये मेजबिया की शादी के लिए, तो इन भाई की ये शादी हमारे दूल्हे राजा विद इन 15 डेज। हाँ, आज से काउंट डाउन स्टार्ट है, आज 31st है, 17 फरवरी को इनकी शादी है। तो मैं आपको कंटिन्यूस बोल रही थी ना, 17 को, हाँ, तो इनकी शादी है, तो इन्हीं की शादी की सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, बने रहना। हाँ बाबा, 18 दिन के बाद। तो ये जो कुछ सामान है एक्स्ट्रा वाले, ये सारे मैं गुड़गांव ही भेज रही हूँ। जूता चप्पल की बैग चली गई है और अब ये घर सारा मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। करण भी अभी जा रहे हैं मन के साथ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ बेटा, तू तेरे कपड़े सारे ले लेना। और यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये दोनों झगड़ा करते हैं, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। हे भगवान, कोई मुझसे भी इतना प्यार कर ले, कोई मुझसे भी इतना प्यार कर ले। हेमंत के फेवरेट हेमंत के पापा है ना, तू मम्मी का बेटा है या पापा का मुन्ना। बेटा खिला भाभी को, मुंह में डाल भाभी, चाची है। धीरे 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 धीरे। ओके, कॉपी पेन पेन से सारी चीजें ले लो बेटा, लव यू। हाँ, ये रखना है, ये ले लिया है बेटा, ये ले लिया, ये वाला ले ले, ठीक है। एक ही खाली हूँ, रोना मत, तू बहुत यंग बेटा है, तू मेरा स्ट्रांग बेटा है, क्या है मेरा स्ट्रांग। हाँ मम्मा कल ही आ जाएगी है ना, जाओ लव यू, चल तो मैं जा रही हूँ, तो चल मन नहीं है, ठीक है, चल मैं जा रही हूँ ले आ। पापा को भी तो ले जाऊंगा, माँ चल रही है ना, दोनों ही चल रहे हैं। स्कूल तो 23 खुली, लव यू। देखो मेरे बच्चों कितना स्ट्रांग है। पापा जा रहे हैं, सो वो चला गया, जाना भी जरूरी होता है ना, बहुत सारी जगह वैसे होते हैं ना कि उनको फैमिली भी देखना, बच्चे को भी देखना, क्योंकि उसको पढ़ाई भी जरूरी है। बहुत लंबे टाइम से उसका स्कूल मिस हो रहा था और मुझे आज का फंक्शन अटेंड करना भी जरूरी है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अब थोड़ा सा इनको खाना खिला देंगे, खाना खिला के फिर तैयार होना है, तैयार होके फिर जाना भी है। हेमंत के लिए मैंने पनीर पराठा बनाया था, जिसमें 2 पराठा पहले ही एडवांस में बना लिया था जीठू जी के लिए, उनको भी खिला दूंगी। तो मैंने सोचा है ये वाला लहंगा पहन लूंगी मैं, आपको दिखाती हूँ, बहुत भागा दौड़ी हो रही है। ये ब्लाउज है इसका, ये दुपट्टा और ये लहंगा, तो इसके साथ क्या पहनती हूँ ज्वेलरी वो भी बताती हूँ। तो मैं हो गई हूँ तैयार, अब ये वाले कड़े पहनूंगी, फिर ये मैच के ये वाले पहनूंगी, अब देखते हैं क्या होता है। लो पहनाओ, तो आपको मैं दिखाती हूँ मेरा लुक, फिर जेठू जी रेडी होंगे, हम लोग वैसे भी लेट हो रहे हैं। आज मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, तो मैंने आपको जैसे कल बोला था कि मैं कोई भी मेकअप नहीं कराऊंगी आज, मैं सिर्फ मैंने लेंस, आई लैशेस और हेयर और लहंगा सेट, दुपट्टा सेट पास। तो ये है मेरा फाइनल लुक, कैसी लग रही हो अब लोग, जरूर 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 नीचे कॉमेंट्स में बता। तो हम रेडी होके रवाना हो रहे हैं, निकल गए हैं घर से, और मेरा लुक आपको दिखाई दिया है, नेल्स भी मैंने लगा लिए हैं। ठंड तो नहीं है यार, इतनी ठंड तो आज नहीं है, क्या मैं मार जाऊंगी। सो क्या तुम बोलो, कितने एक्साइटेड हो, शादी हो रही है आपकी, तो हो चुकी है, मार तो 10 साल हो गया। हाँ
पे ये दूल्हे राजा वेट कर रहे हैं दुल्हन की, और यहाँ पे प्यारी सी दुल्हन आ चुकी है और दूल्हे राजा सामने से उतर के लेने गए हैं अपने दुल्हनिया को। अरे अरे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ढेरों सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन चले अपने वरमाला के लिए। तो अब हम जा रहे हैं मेरी दीदी के यहाँ, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट बारात आ चुकी है। तो अरियंत के यहाँ एक बार छोड़ दिया है, एंट्री हो गई है दुल्हन की, तो अब वहाँ जा रहे हैं, फिर देखते हैं कैसे होता है। तो व्लॉग में बने रहना, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि होगा क्या वो मुझे भी नहीं पता है। लेट्स सी, चलते जाओ। तो मुझे छोड़ के तू खा रही है, मैंने कभी आपको ये नियम होता है ससुराल का। सब जाएंगे कुछ खाना खाने, तो देवरानी को पूछ रही हूँ। यहाँ पे ननद भी बता रही है, पहले खाए हम सबने गोलगप्पे, फिर प्यारे प्यारे से मिले फैंस और पापा मिल गए, और ये है दूल्हे राजा। बारात में करेंगे डांस, क्योंकि भाई की भी शादी है साथ में, तो हम बराती भी हैं। दुल्हन की स्टेज पे एंट्री हो चुकी है, अब होने वाला है वरमाला। तो आप लोगों ने आज एक ही दिन में दो दो ब्राइडल देखे, हम सब तो कहीं पे भी मिले, हमारी बातें खत्म ही नहीं होती है। तो चलिए आपको मैं मिलाती हूँ। तो ये है मेरे मामा जी और मामी जी। तो यहाँ पे मैं मासी के साथ डांस कर रही हूँ, और ये जो बीच में है ना, ये मेरी ओन नानी जी है, मतलब मेरी नानी जी की बहन है। तो बहुत ही सुंदर है, कराया बहुत ही अच्छा सा फोटो सेशन पापा मम्मी के साथ। ये है मेरी दोनों मामी जी, और हम तो अलग ही हैं। तो ये है दूल्हे की मम्मी जो बीच में है, और दोनों मासी जी हैं उनकी। और यहाँ पे अब है खाने का टाइम, भाई भूख लगी है तो खाना खाओ। तो खाना हो गया है कम्प्लीट, फिर सब पी रहे हैं गरम गरम पानी। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सा फोटो सेशन करवाया, खूब खाना खाया, खूब मस्ती की, अब हम चले घर खुशी। अब आजा भाई, इन मामा जी के बेटी की शादी थी, तो बहुत बहुत बधाई मामा जी आपने। मासी जी प्रणाम करो, नारायण प्रणाम करो। मासा जी सिद्धू भाई तेरे को मैंने पहचान लिया, पवन का जी मन पहचानो, मैं एकदम पहचानो। ठीक है मामी जी, ना ना प्रणाम करो, ना 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 ठीक है नानी जी, ना 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 मैं कर जाऊँ ठीक है नानी जी, चलो फिर चलो ठीक है ना ना मामी जी। मामा जी है जो मुझे गौरी नाम से बुलाते हैं। फिर हम घर नहीं जाके पहुंचे चमरी वाली जगह, और यहाँ नेक मांगा जा रहा है कि पहले पैसे दोगे फिर ही जीजू आप बैठ पाओ। हो गई स्टार्ट, जिसमें पहले पापा मम्मी एक दूसरे को माला पहनाते हैं, और यहाँ पे ये सारे भाई भाई बैठ चुके हैं, हम सब भी बैठ गए। बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे प्यारे फंक्शंस के साथ। और मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। लव यू गाइस, बाय बाय।